देखो, अभी जो हम पढ़ रहे थे, एविडेंस एक्ट में क्या है, दो चीजें दी हुई हैं। दोबारा से इसी टॉपिक पे आ रहा हूं। एक का नाम है एडमिशन और एक का नाम है कन्फेशन। ठीक है, ये सेक्शन 17 से लेके 23 तक दे रखे हैं, और ये 24 से लेके 31 तक, बल्कि अपन इसे 30 तक ही कहें, और एक सेक्शन जो 31 है वो यहां भी दिया हुआ है। क्या चीज एडमिशन, होता क्या है एडमिशन? सिर्फ क्या लिखा है मैंने कि एक स्टेटमेंट होते हैं, स्टेटमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है। इसके अलावा नई चीज आ रखी है तो इट मे कंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑल्सो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है, स्टेटमेंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकता है। लेकिन इसके लिए कहा कि ये ऐसे स्टेटमेंट हैं जो फैक्ट इन इश्यू और रेलेवेंट फैक्ट के बारे में एक अनुमान देते हैं, एक इशारा करते हैं कि शायद ये बात सही हो, शायद ये बात सही हो। लेकिन ये सेक्शन 18 से 20 तक के जो परिस्थितियां हैं उनमें किए गए होने चाहिए और उन व्यक्तियों के द्वारा किए हुए होने चाहिए। तो सेक्शन 17 देखो, एक बार पढ़ लो आप। पढ़ लिया सेक्शन 17? पढ़ो एक बार फटाफट। पढ़ लिया? अब देखो, जैसे कन्फेशन के, वो सॉरी एडमिशन के बारे में जो बात कर रहे हैं हम, मैंने एक एग्जाम्पल लिया था अभी थोड़ी देर पहले कि एक आदमी ने 50,000 रुपया ए से उधार लिए और अपनी ही डायरी में लिख लिया, अपनी ही डायरी में लिख लिया 50,000 रुपया मैंने ए से उधार लिया है। फिर कभी विवाद हो गया, मान लो ये व्यक्ति जिसने उधार लिया वो मर गया, मर गया तो उसके बच्चों से कहा कि आपके पिताजी ने 1,000 रुपया, वो 50,000 रुपया लिए थे। बोले नहीं, हमारे पिताजी ने तो नहीं लिए थे। बोले आपकी डायरी में ही लिख रहा है। तो वो क्या है? एडमिशन है। क्या है? एडमिशन है। आप देखते हो ना, बैंक से कोई लोन ले रहा है, कुछ ले रहा है, इतने सारे डॉक्यूमेंट पे साइन करता है, तो वो उन कंडीशंस को एडमिट करता है। क्या करता है? एडमिट करता है, स्वीकार करता है। अब ये स्वीकार करना केवल अकेले अपने ऊपर नहीं है, उसके अलावा भी है। किसके? मान लो मैं स्वीकार कर सकता हूं तो मेरे बिहाफ पर मेरा एजेंट भी स्वीकार कर सकता है। जैसे मान लो मैं कोई मुकदमा लड़ रहा हूं, मुकदमा लड़ रहा हूं और उसमें मेरा जो एडवोकेट है वो उस केस को विड्रॉ कर लेता है, या केस में कोई ऐसी बात कहता है जो मेरी तरफ से एडमिशन की बात है, हाँ जी इतने पैसे हमने तो लिए, तो ये माना जाएगा कि मैंने ही लिए, क्योंकि मैंने अपनी पावर उसे डेलीगेट कर रखी है। मैंने क्या कर रखी है? आई डेलीगेटेड माई पावर टू हिम, मैंने ही अपनी उसे दे रखी है। तो ऑन बिहाफ ऑफ मी ही इज एडमिटिंग, तो वो क्या माना जाएगा कि मैं ही एडमिशन कर रहा हूं। इसलिए सेक्शन अलग अलग लिखे, 18 के सेक्शन है, 18 में कौन कर रहा है, 19 में कौन कर रहा है, 20 में कौन कर रहा है, तीन ही सेक्शन है जिनमें एडमिशन हो रहा है। तीन सेक्शन, उनमें व्यक्तियों के नाम हैं और परिस्थितियां भी हैं, दोनों चीजें हैं कि कौन सी परिस्थिति में कर रहे हैं। अच्छा, एडमिशन का जो एविडेंस वैल्यू होती है ज्यादा होती है, क्योंकि इट इज सजेस्टिंग इन्फ्रेंस, यह अनुमान की तरफ इशारा कर रहा है। क्या कर रहा है? अनुमान की तरफ इशारा कर रहा है। एक एग्जाम्पल से ले लेते हैं जिससे आपको यह बात समझ में आ जाएगी। देखो, मेरे से 50,000 रुपया आर ने लिए, ठीक, कितने रुपया? 50,000 रुपया आर ने लिए, अब दे नहीं रहा है, बहुत टाइम हो गया, तो मैंने उसके कहा यार 50,000 रुपया अभी दे दो, अभी बहुत जरूरत है। कि क्यों? कि आपको तो पता ही है कि आपका ही एक फ्रेंड है,
बोले हाँ, कि उसकी सिस्टर की शादी है ना कि हाँ जी उसकी सिस्टर की शादी है, तो उसकी सिस्टर की शादी है, वो मेरे से कह रहा है कि मेरे पैसे वापस दो। कि कितने पैसे ले रखे हैं सर आपने उससे? कि मैंने ले रखे हैं 1 लाख। कितने? 1 लाख रुपए ले रखे हैं, तुम 50,000 दे दो, 50 और मिला के उसकी शादी में दे देंगे। बोले सर मैं व्यवस्था करता हूँ। अब ये बात उसने क्या किया, रिकॉर्ड कर ली और पैसे मेरे को 50,000 रुपया दे दिए। इसने मेरे से पैसे लिए ही नहीं थे कभी। ये बोला टी के पास गया और बता शादी की तैयारियां कैसे चल रही है? अरे यार पैसे की दिक्कत चल रही। बोले पैसे तो आ गए होंगे तेरे पास 1 लाख रुपया? तो बोले मेरे पास कहाँ से आ गए 1 लाख? कि 50 तो मैंने दिए हैं, 50 सर कह रहे थे मैं और करूंगा तुम्हारे 1 लाख वापस देने के लिए। कि कब कह रहे थे, कब कह रहे थे? कि देख ये रहा मेरे पास रिकॉर्डिंग है ना, उस रिकॉर्डिंग में क्या है, मैं कह रहा हूं कि मैंने यार टी से 1 लाख रुपया ले रखे हैं, मुझे उसके वापस करने हैं, उसके वापस करने हैं। अब उन्होंने कहा ठीक है। दूसरे दिन ही कि सर वो 1 लाख रुपए वापस दे देते। किसने कहा? टी ने। टी को मैंने क्या कहा, कौन से 1 लाख रुपया? टी को मैंने क्या कहा, कौन से 1 लाख रुपया दे दूं तुम्हें? कि सर वही 1 लाख रुपए लिए थे ना आपने। मैंने कब लिए थे? बोले सर कैसी बात कर रहे हो, मेरे यहाँ शादी है, आप 1 लाख रुपए नहीं दे रहे। मैंने कहा यार मैंने तो तुमसे लिए ही नहीं। बोले सर शादी के बाद देखता हूं फिर आपको। अब शादी के बाद एक रिकवरी सूट ले आया। क्या किया इसने? एक रिकवरी सूट ले आया शादी के बाद। क्षितिज आप इधर आओ। अब कल से आप लोगों सबको एक काम करना है, जिससे भी थोड़ा सा परिचय हो गया ना क्लास में उसके पास नहीं बैठना, हल्का सा भी परिचय हो गया, अन्यथा तुम अपना नुकसान कर रहे हो। इसके बाद क्लास के बाद फिर आप कितना भी एक दूसरे के साथ बैठो, मुझे उससे कोई असर नहीं पड़ रहा, लेकिन आपस में बैठना नहीं है ना, जिससे भी थोड़ा परिचय हो गया ये आप ध्यान रखो। आपको हाई लेवल के कंसंट्रेशन पे होना चाहिए, एक एक शब्द मेरे आपके दिमाग में होने चाहिए। आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो वो शब्द ही पक्के इतने याद हो जाएंगे कि आप उसके आधार पर भी पेपर कर लोगे। और ये सच है कि आप में से कोई भी प्री फेल नहीं हो रहा है, किसी का भी प्री नहीं रुकेगा, किसी का नहीं रुक रहा। जो नियमित आ रहा है क्लास उसका किसी का प्री रुक नहीं रहा है, वो प्रीलिम्स निकल जाएगा सबका। बहुत सीटें हैं, 3600 के आसपास पास होंगे, 3700 भी हो सकते हैं, तो बहुत सारी सीटें हैं, इतने तो स्टूडेंट ही नहीं है पढ़ाई करने वाले, तो प्री तो सबका निकल रहा है। मेंस में थोड़ी सी अलग स्ट्रेटेजी होगी और जो बताता जा रहा हूं उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता, ये मेरा अनुभव है, आता ही नहीं है और सब पास हो रहे हो, फ्री में नहीं आएगी दिक्कत। तो इसने रिकवरी सूट ले आया और एविडेंस के तौर पर क्या पेश किया, रिकॉर्डिंग। कौन सी? इनकी आपस की रिकॉर्डिंग, इनका जो आपस में कम्युनिकेशन था उसको पेश किया। क्या मैं इससे क्या कह रहा था कि यार ठीक है, यहाँ शादी है, उसकी सिस्टर की शादी है, तुम पैसे वापस दे दो। तो कोर्ट ने कहा एविडेंस के तौर पर जब पेश किया रिकवरी सूट में, कोर्ट ने मेरे से कहा भाई पैसे क्यों नहीं दे रहे आप इसके, पैसे क्यों नहीं दे रहे? मैंने कहा सर इसके कोई पैसे मैंने नहीं लिए। अरे आपका एडमिशन है, आप झूठ बोल रहे हैं। कैसा एडमिशन है? आपका एडमिशन है, ये एक अलग बात है, आपका एडमिशन एक्स्ट्रा जुडिशियल है। कैसा है? न्याय केतर, न्याय मतलब न्यायालय से बाहर है। उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल, न्यायालय से बाहर आपने एडमिशन किया है। कब किया है? न्यायालय से बाहर एडमिशन किया है। तो जब न्यायालय से बाहर एडमिशन किया है तो फिर आप दे क्यों नहीं रहे पैसे?
अरे सर कहाँ, मैंने लिए नहीं इससे पैसे। तो देखो स्वीकृति के लिए कहता है, एक सेक्शन है, स्वीकृतियां निश्चायक सबूत नहीं होती हैं। क्या नहीं होती हैं? मतलब ऐसा नहीं है कि इनके द्वारा दोनों में आपस में जो बात हुई है उसी को, जिसमें मैंने ये कहा था कि भाई मेरे को इनके पैसे देने हैं, ये कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। क्या नहीं है? कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। क्यों नहीं है कंक्लूसिव प्रूफ? ये सिर्फ एक अनुमान इंगित करता है, कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। ये आगे आएगा। ठीक है ना? ये सेक्शन 58 है। कौन सा? सेक्शन 58। फिर 58 क्या है? फिर 58 क्यों गया आपके दिमाग में? स्वीकृत तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। क्या कहा? स्वीकृत तथ्यों को, मतलब एडमिटेड फैक्ट, नो नीड टू प्रूव द एडमिटेड फैक्ट्स। एडमिटेड फैक्ट्स को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तो वो सेक्शन है 58। तो 31, 58। तो कोर्ट ने यही कहा कि अरे यार आपने स्वीकार कर लिया है तो इसको तो अब साबित करने की जरूरत नहीं है, आपने एडमिशन है आपका। तो मैं क्या कह रहा हूं कि सर 31 ये भी कहता है कि इट इज नॉट कंक्लूसिव प्रूफ। क्या कह रहा है? कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, इसके आधार पर नहीं दे सकते। इट इज जस्ट सजेस्टिंग इन्फ्रेंस, ये एक अनुमान की तरफ इशारा कर रहा है कि शायद इनके पैसे हो सकते हैं। तो फिर क्या है? खंडनीय है, रिबटेबल है। कैसा है? रिबटेबल है। तो मैं क्या खंडन कर रहा हूं? सर ये बहुत दिनों से मेरे पैसे नहीं दे रहा था, तो इसका नाम लेकर मैंने पैसे मांगे थे, जो सामान्यतः लोग मांगते हैं। समझ में आ गया? अब देखो स्वीकृतियां दो तरह से की जा सकती हैं। एक तो होती है जुडिशियल। कैसी होती है? जुडिशियल। जुडिशियल का मतलब है जो न्यायालय में की जाए। और एक होती है एक्स्ट्रा जुडिशियल। अभी जो एग्जाम्पल था वो एक्स्ट्रा जुडिशियल का था। और एक है जुडिशियल। जुडिशियल को कौन सा है? जैसे मान लो ए और बी के बीच में एक मुकदमा चल रहा है। किसका? ये घर खाली नहीं कर रहा। जब घर खाली नहीं कर रहा है तो कोर्ट ने कहा कि बताओ 1 महीने के भीतर भीतर खाली करोगे, या तुम्हारा कोर्ट पुलिस को अभी आदेश दे दूंगा 1 घंटे के भीतर भीतर आपका सामान फेंक दे, कि सर 2 महीने का मोहलत दे दीजिए। तो उसने क्या कहा? 2 महीने की मोहलत दे दीजिए और 2 महीने बाद मैं खाली कर दूंगा। तो ही हैज एडमिटेड इन द कोर्ट के ही शैल वैकेट हिज होम। ठीक है? तो जब कह दिया और फिर भी नहीं किया तो वो क्या है? सर इसका एडमिशन था। जुडिशियल एडमिशन होने के बावजूद भी इसने खाली नहीं किया। समझ में आ गया क्या आपको? तो हमने अभी क्या समझा कि तीन चीजें, तीन चार चीजें समझी। एडमिशन क्या है, एडमिशन की डेफिनेशन क्या है। एडमिशन की डेफिनेशन कोई कहे तो एक एक शब्द में क्या कहेंगे कि दीज आर स्टेटमेंट। कौन से स्टेटमेंट? जो फैक्ट इन इश्यू और रेलेवेंट फैक्ट के बारे में अनुमान देते हैं। क्या करते हैं? और जो सेक्शन 18, 19, 20 की स्थिति और व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं, मतलब सिचुएशन विच इज गिवन अंडर सेक्शन 18, 19 एंड 20 एंड बाई दोज पर्सन्स विच आर गिवन सेक्शन 18, 19, 20। एक तो ये पढ़ा। दूसरा फिर हमने ये पढ़ा कि ये दो तरह की होती हैं, जुडिशियल और एक्स्ट्रा जुडिशियल। इसके अलावा भी मैंने और बातें, जो कि चूंकि नोट्स क्या है मेंस के हिसाब से फोकस किए हुए हैं तो और चीजें भी लिखी हुई हैं, उनको जस्ट रीड कर लेना, बहुत गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। इसकी डेफिनेशन, डेफिनेशन आप आपसे पूछेगा डेफिनेशन, डेफिनेशन एक बार जस्ट रीड कर लेना,
केसेस आर नॉट सो इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट नहीं है केसेस वगैरह, केसेस जरूरत पड़ेगी मेंस के लिए, केसेस मेंस के लिए जरूरत पड़ेगी। कुछ केस हैं जिनके बारे में आपको वो पता होना ही चाहिए, उनको मैं अपने आप बताता जाऊंगा, ये वाला केस आपको पढ़ना है। जैसे हम सेक्शन 32 पे आएंगे तो वहां केस लॉ इम्पोर्टेंट है, या कन्फेशन में आएंगे तो कुछ केसेस इंपॉर्टेंट है, सब जगह से केसेस नहीं पढ़ने। केसेस के भार को अपने ऊपर वैसे ही लादना नहीं है। मैंने एक बार क्या है, एविडेंस एक्ट के जब मैं एग्जाम दे रहा था तो 250 केस याद कर लिए और डायरियां की डायरियां बना ली, सारे केसेस याद। लोग कहें कि यार क्या केस याद कर रखे, लेकिन एक सिंगल नहीं आया, वैसे एनर्जी वेस्ट हो गई। तो चूंकि मेरा भी तो विद्यार्थी रहने का जीवन में अनुभव है, मैं नहीं चाहता कि आपका समय और ऊर्जा बर्बाद हो। जब मैं पढ़ा रहा होता हूं तो एमके सिंह को उस सीट पर बिठा देता हूं कि मानो कि वो विद्यार्थी के तौर पर पढ़ भी रहा हो, अपने लिए पढ़ाई कर रहा हो। तो मुझे मेरे अनुभव, मैंने खूब एग्जाम भी दिए, सारे दिए, तो वो अनुभव, और फिर इतने लंबे समय तक आपको पढ़ाने का अनुभव। और ऐसा नहीं होता, रोज नियमित देखता हूं कि इसमें से कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या क्वेश्चन आया है, कैसे क्वेश्चन का फॉर्मेशन हो रहा है, ये रोज देखता हूं। ऐसा नहीं कि एक बार देख लिए या पहले पढ़ाया हुआ है या पढ़ा हुआ है तो बस हो गया काम, नहीं नहीं रोज नियमित। मेरा 3:30 से 5 बजे तक का टाइम इसी में जाता है और जो नियमित जाता है। हाँ ये जरूर है कि मेरे लिए 1-1.5 घंटा में बहुत कुछ मैं तैयार कर लेता हूँ, आपके लिए वो बहुत कम समय है, मेरे लिए बहुत ज्यादा समय है, 1 घंटा भी मेरे लिए बहुत ज्यादा होता है। बस मुझे देखना ही होता है कि हाँ ठीक है, ये चीजें ऐसे आ रही हैं, इस तरह है, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। आप पढ़िए नेक्स्ट 18 पढ़ लीजिए एक बार। अब देखो यहां पे जो हेडलाइन दे रखी है कि एडमिशन बाय पार्टी टू ए प्रोसीडिंग और हिज एजेंट, इतनी लाइन से आपको कुछ समझ में आया क्या मैंने अभी बोला था? पार्टी एडमिशन कर ही सकती है जो अभी मैंने डिस्कस किया, फिर कह रहा है एजेंट कर सकता है। अब देखो क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव आएगा, 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, कितने? 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे कि निम्न में से कौन कौन एडमिशन कर सकते हैं, पक्षकार स्वयं, पार्टी हिमसेल्फ, एजेंट, है ना, फिर इसके अलावा 2 लोग और दे रखे हैं, रिप्रेजेंटेटिव। देखो रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है? द पर्सन हु इज अपॉइंटेड बाई ए पार्टी, जो व्यक्ति पक्षकार ने नियुक्त किया है। क्यों नियुक्त किया है? अपना पक्ष रखने के लिए, ठीक है ना। द पर्सन हु इज अपॉइंटेड टू पुट हिज फेवर, तो जो अपना पक्ष रखने के लिए अपॉइंट किया गया है वो व्यक्ति भी क्या कर सकता है? एडमिशन कर सकता है। अब जैसे जस्ट है, एजेंट कब कर सकता है? जैसे मान लो कोर्ट का मामला है तो एजेंट कर सकता है। एडवोकेट, एडवोकेट एक व्यक्ति का एजेंट होता है। क्या होता है? एक एजेंट होता है, सीपीसी में दिया हुआ है। रिप्रेजेंटेटिव तो तब बनाते हो ना आप कि ऑन बिहाफ ऑफ मी ये मेरा पक्ष रखेंगे, और उस समय एडवोकेट भी हो सकता है। एडवोकेट तो देखो अलग अलग कैटेगरी है, एक एजेंट है, एजेंट बड़ी स्थिति है, एजेंट एक बड़ी स्थिति है। एडवोकेट, एडवोकेट एक ऐसा एजेंट है जो कोर्ट में आपकी बात रखता है, तो छोटी स्थिति आ गई, एजेंट बड़ी स्थिति आ गई, रिप्रेजेंटेटिव और बड़ी स्थिति आ गई। तो जिसे आप ऑथराइज करते हो वो आपका रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। 18 पढ़ लो, एक एग्जांपल दे रखा है, रिप्रेजेंटेटिव सूट। जैसे ए बी सी डी ई एफ, बहुत सारी संख्या में लोग हैं, 100 लोग हैं। अब 100 लोग एक्स पर, एक कंपनी है,
इस पर केस करेंगे तो एक तरह से केस चलने में दुविधा होगी, दिक्कत होगी। एक ही टाइप का रिलीफ मांग रहे हैं, तो एक ही इन सब की तरफ से 100 लोगों की तरफ से एक को केस करने के लिए अपॉइंट किया हुआ है, तो ये कहलाता है रिप्रेजेंटेटिव सूट। क्या कहलाता है? तो इन 100 लोगों ने इसको अपॉइंट किया है, लेकिन इसके पास ऐसे रिप्रेजेंटेटिव सूट में जो राइट्स होते हैं वो सीमित होते हैं। कैसे होते हैं? सीमित होते हैं। तो सीमित राइट कैसे है? जैसे ये अपना पक्ष तो रखेगा, ये मांगते हैं सब, ये सब लोग कंपनसेशन मांग रहे हैं, सबको हटा दिया कंपनी ने, तो कंपनसेशन मांग रहे हैं तो एक कंपनसेशन की तो बात करेगा, लेकिन एक्स ने क्या किया, इससे दोस्ती कर ली। उन्होंने कहा यार तू विड्रॉ कर ले केस को, तो ही कैन नॉट विड्रॉ द केस। अब देखो यहां आप कह रहे होगे कि विड्रॉ नहीं कर सकता, लिमिटेड राइट्स हैं। हाँ, इनके लिमिटेड राइट्स हैं, ये विड्रॉ नहीं कर सकता। ऐसा कहां लिख रहा है? सीपीसी में, जब ऑर्डर 1 पढ़ेंगे। हैं? हाँ, 18, तो वहां पढ़ेंगे तो ये सारा का सारा आपको वहां समझ में आएगा। लेकिन इसके अलावा ये और बातें रखता है तो ये समझा जाएगा कि ये 100 लोगों की तरफ से ही बात रखी जा रही है। ही इज रिप्रेजेंटेटिव फॉर ऑल, सभी के लिए रिप्रेजेंटेटिव है। समझ में आ गया? ऐसी स्थिति उल्टी भी हो सकती है। मान लो कंपनी के बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, एक आदमी केस कर रहा है किस किस पर करे, तो कंपनी ने एक को अपॉइंट कर दिया, रिप्रेजेंटेटिव बना दिया कि ये करेगा, तो ये उल्टी स्थिति भी हो सकती है। ठीक है? अब देखो यहां पे थोड़ी सी जो इस सेक्शन के संबंध में ये कहता है कि जी हमें कंपनसेशन के तौर पे सबको 1-1 लाख रुपए दे दो। FED ये कहते हैं नहीं, हम तो 2 लाख से कम नहीं लेंगे। तो तब वो आपने विरोध नहीं किया, कब? जब आप एक को रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया था तब आप विरोध करते थे कि जी हमें रिप्रेजेंटेटिव नहीं चाहिए, हमें तो हम खुद ही करेंगे अपना, और हम तो 2 लाख रुपए लेंगे। तो जब इसने कह दिया है कि 1 लाख रुपए दे दो, तो ये माना जाएगा कि 1 लाख रुपए दे दो, ये इनके ऊपर भी बाध्यकारी है, ये भी इसके अंतर्गत समझे जाएंगे। समझ में आ गया? एक देखो, एक और पर्सन है, एक सेकंड पॉइंट कह रहा है, पर्सन फ्रॉम होम इंटरेस्ट ड्राइव्ड, जहां से हित उत्पन्न हुआ है। इंटरेस्ट ड्राइव्ड का मतलब जहां से हित उत्पन्न हुआ है। इस पर कुछ समझ में आया क्या आपको? किसी को क्या कहना चाहता है? देखो एक एग्जांपल समझो, एक ए आदमी है, कौन है? ए, और एक बी है, ए और बी। इनका एक प्लॉट है, ये दोनों ने मिलकर लिया था, दोनों ने मिलकर प्लॉट को ए और बी ने लिया। बी ने इसको सी को दे दिया, मतलब अपना इंटरेस्ट सी को ट्रांसफर कर दिया। अब डी इस प्लॉट को लेकर कह रहा है कि भाई ये
इन दोनों ने मिलकर, इन मतलब ये तो था ही नहीं, इन्होंने मिलकर मेरे को 50 लाख रुपए में बेचा था। डी कह रहा है ये, और ये कहते रहे हमेशा 60 लाख में बेचा है। लेकिन एक दिन ये जब सी के पास हित आया तो ये कहने लगा, नहीं जी मेरे पिताजी बता रहे थे 50 में बेचा है, अंकल तो झूठ बोल रहे हैं कि 60 में बेचा था। बात समझ में आई? अंकल तो मतलब इसका बेटा है ये क्या कहने लगा, नहीं, मेरे पापा भी हमेशा कहते थे 50 लाख में ही बेचा है, अंकल झूठ बोल रहे हैं कि 60 लाख रुपए में बेचा है। जबकि होना क्या चाहिए था, 60 लाख मिलते तो इसको 30 मिलते, अब इसको 25 ही मिलेंगे। लेकिन चूंकि हमेशा हित के विरुद्ध होती है एडमिशन, किसके विरुद्ध होती है, और ये अपने हित के विरुद्ध बोल रहा है, तो इसका ये एडमिशन, ये एक एडमिशन है और रेलेवेंट है। कैसा है? क्यों रेलेवेंट भाई? ये नुकसान क्यों खाएगा 5 लाख का? समझ में आ गया आपके? एक बार आप 19 भी पढ़ लीजिएगा। हेडलाइन से ही आपको समझ में आ जाएगा, पर आप पढ़ लो फटाफट, एक एक बार, जस्ट एक रीडिंग लगानी है। पढ़ लिया? देखो एक लाइन जो हेडलाइन, हेडलाइन ध्यान रखो, इसमें लिखा है एडमिशन बाय ए पर्सन हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड अगेंस्ट द पार्टी टू ए सूट, उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियां जिनकी स्थिति वाद के पक्षकार के विरुद्ध साबित की जानी है, वाद के पक्षकार के विरुद्ध साबित की जानी है। एक एग्जांपल दे रखा है, इलस्ट्रेशन को ही ले रहा हूं मैं। एक व्यक्ति ए है, ये कहां रहता है? यूएस में रहता है, ठीक है। इसने एक मकान बनाया है यहाँ पे जयपुर में, और ये मकान का जो रेंट है, मकान का जो रेंट है 50 हजार रुपया महीना, 50 हजार रुपया महीना देना तय हुआ। इसके अलावा इसने कुछ और फ्लैट्स भी बना रखे हैं, और इन फ्लैट्स के भी रेंट आता है, और इन सब के रेंट का कलेक्शन का काम एक आदमी सी को दे रखा है। किसको? सी को दे रखा है, हर महीने 50 हजार रुपया फ्लैट्स के सबके पैसे, करीब 2 लाख रुपए महीना देने हैं, और इसकी 20 हजार रुपए महीने की तनख्वाह सिर्फ इस बात की है कि ये 2 लाख रुपए इससे सबसे कलेक्ट करके और रोज हर बार उसके अकाउंट में डालेगा और केयर टेकिंग करेगा। इसने काम प्रॉपर नहीं किया, इसलिए इसने क्या किया, उसे हटा दिया, मतलब भागो यहां से, और एक केस और किया इसके ऊपर कि आपने अपनी ड्यूटी को प्रॉपरली परफॉर्म नहीं किया है, इसकी वजह से हमें इतना नुकसान हुआ है, ये डैमेज आपको और देना होगा। नौकरी से तो हटाया ही हटाया, डैमेज के लिए और दावा किया। इसने कहा कि नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की थी। अपने रिप्लाई में क्या कहा, मैंने कोई गलती नहीं की। तो कोर्ट में ए ने कहा कि सर मैंने अपॉइंट इसको ये किया कि केयर टेकिंग करनी है और सारा रेंट वसूल करके लाना है। 4 महीने से इस मकान वाला जो बी है उससे इसने रेंट लिया ही नहीं, और ना मकान रेंट डाला। तो इसने क्या रिप्लाई में कहा, सर ये मकान वाले उससे 4 महीने का रेंट मांगते नहीं, मैं तो हर महीने दे रहा हूं, उनके ऊपर कोई रेंट है ही नहीं इनका। क्या कहा, इन ये कोई रेंट नहीं मांगते। इसने गवाह के तौर पर इसी को लाया, बी को, बोले सर 4 महीने का रेंट लेने ही नहीं आया कोई, तो मैं देता कैसे, ये आदमी आया आया ही नहीं। हाँ मेरे पे ये 4 महीने का रेंट मांगते हैं।
इसकी बात सही मानी जाएगी, बी की सही मानी जाएगी, क्योंकि अपने हित के विरुद्ध अगेंस्ट हिज इंटरेस्ट ही इज सेइंग समथिंग एंड इट इज रेलेवेंट अंडर सेक्शन 19। पढ़ ली है? देखो यहां पर रेफरी की पोजीशन को रेफरी कहते हैं जिसे दूसरे ने बिचौलिया बना रखा है। जैसे एक आदमी ए है और एक बी है, ए और बी के बीच में एक कार बिकने के लिए आई है, एक ही कार है। ए ने कहा कि देख मैं अपनी कार बेच रहा हूं, बी ने कहा बताओ कितने रुपए लोगे, चल मेरा मिस्त्री है सी, जो सी कहेगा वो सी में ले लूंगा, उसी उतना ही दे देना। अब सी ने कहा 50,000 रुपए, कितने 50,000। ए कहता नहीं नहीं 50,000 में नहीं दूंगा, बोले आपने ही तो कहा था जो सी कहेगा वो दे दूंगा, अब दो। देखो क्या कहना चाह रहा है, ये जो 50,000 का एडमिशन है ना, ये आपका ही एडमिशन है, यू रेफर दिस पर्सन फॉर एडमिशन, आपने ही इस आदमी को नियोजित किया था, यू अपॉइंटेड दिस पर्सन फॉर एडमिशन। इन सेक्शंस में क्या कह रहे हैं, देखो फिर दोबारा से पीछे ले जाता हूं आपको थोड़ा सा, आपको ये बात समझ में आई होगी, एडमिशन तो कोई व्यक्ति ही करता है, उसके बिहाफ पर कुछ लोग करते हैं, कुछ परिस्थितियों में करते हैं, जैसे 17-18 में कुछ परिस्थितियां बताई थी, कुछ लोग बताए, 19 में कुछ कोई व्यक्ति बताया, जैसे एम्प्लॉय बताया, 20 में रेफर करने वाला बताया, तो एक तरह से कितने लोग आ गए। ऑब्जेक्टिव में आपसे जो प्रश्न पूछे जाने वाला है वो जाएगा एडमिशन कर सकता है, तो कॉमा कॉमा करके दे देंगे या 1, 2, 3 दे देंगे, वो आएगा उपरोक्त सभी कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एडमिशन कर कौन कौन सकता है, यही है स्थिति। तो जो रेफर किया आपने, तो आपने रेफर क्यों किया, आप ही कह सकते थे कार कितने में बेच रहे हो, आपने क्यों कहा, इसमें घोड़े वाला एग्जाम्पल दे रखा है, कार की जगह मैंने कार कर लिया, घोड़ा अब रहे नहीं, ठीक है। अब देखो दोबारा से चलो पीछे, कितने से छोटा सा एडमिशन का पार्ट, सेक्शन 17 क्या कह रहा था, ये स्टेटमेंट है, किस बात के स्टेटमेंट है, किस बात के, फैक्ट इन इश्यू और रेलेवेंट फैक्ट के संबंध में क्या करते हैं, अनुमान बताते हैं, किनके द्वारा किए जाते हैं, जो सेक्शन 18 में एजेंट और कौन रिप्रेजेंटेटिव और कौन पार्टीज हिमसेल्फ है ना, और उसके अलावा 19 में कौन एम्प्लॉय, जिसे एम्प्लॉय किया गया, अच्छा जिसकी पोजीशन उसके विरुद्ध साबित की जानी है, तो एम्प्लॉय के अलावा कोई ठेकेदार हो सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है, इसके अलावा फिर 20 में जिसको भी रेफर करोगे वो हो जाएगा। ये लोग एडमिशन करते हैं, केवल पार्टी अकेली नहीं करती है, ये सेक्शन 17 से 20 तक एक ही सेक्शन है पूरा का पूरा, आपके दिमाग में आ गया है, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। एक सेक्शन 21 है नेक्स्ट, एक 21 जस्ट रीड कर लो, पढ़ लिया। देखो पहली हेडलाइन देखो, समझने की कोशिश कीजिएगा, पहले लिखा है प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट पर्सन मेकिंग देम एंड बाई और देयर बिहाफ, स्वीकृतियां उन्हें करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध उनके द्वारा उनकी ओर से साबित की जा सकेंगी। एक एग्जांपल पहले इस बात का ले ले कि क्या हम हमारी एडमिशन को हमारे पक्ष में साबित कर सकते हैं। हाँ, हमारा एडमिशन हमारे ही पक्ष में हमने किया और हमारे ही पक्ष में साबित किया जा सकता है। हाँ किया जा सकता है, यदि कंडीशन सेक्शन 32 जैसी हो जाए, सेक्शन 32 जैसी हो जाए। सेक्शन 32 में क्या है,
एक शब्द मैंने याद कराए थे ना, मरमिल असमर्थ हाजरी, अंग्रेजी हिंदी दोनों में यही याद कर लेना। मर का मतलब है ही हैज डिसीज्ड, मिल नहीं रहा है, नॉट फाउंड, इनकैपेबल, और न उस अटेंड नहीं, उसकी अटेंडेंस बहुत पैसे के बिना नहीं की जा सकती है। आप तो हिंदी में ही याद रख लो सब लोग, अंग्रेजी वाले भी इतना ही ध्यान रख लो। 32 में आएंगे ये, 33 में भी यही आएगा, और जगह भी ये। देखो इसका मतलब क्या है, जैसे एक आदमी था ए, ये कैप्टन था, नाव को, पानी का जो जहाज था उसको लेकर जा रहा था। ये जो जहाज है वो समुद्र में टकरा गया एक चट्टान से, समुद्र में जहाज चट्टान से टकराया, चट्टान से टकराया तो जहाज तहस नहस हो गया। जहाज था बी का, बी ने ए के ऊपर केस किया, किसके ऊपर, ए के ऊपर केस किया कि मेरा जहाज इसने लापरवाही से चलाया इसलिए टकरा गया और सारा तहस नहस हो गया, और वो तो लाइफ जैकेट पहन के ये सारा बाहर निकल आए और उन्होंने मेरा जहाज टकरा दिया, इसके ऊपर केस किया ड्राइवर के ऊपर, एक तरह से ड्राइवर ही हो गया कैप्टन। उन्होंने कहा हम बिल्कुल सही रास्ते से जहाज को लेके जा रहे थे, हमने कोई गलती नहीं की, ना लापरवाही की, क्योंकि जब हम पानी का जहाज चलाते हैं तो हम लॉग बुक भरते हैं। कौन सी बुक, लॉग बुक। लॉग बुक का मतलब है कि जहां जहां होके जा रहा है हर मिनट हर घंटे, यहाँ ये स्थिति है, यहाँ इतने इतने लेटिट्यूड पर है, लॉन्गिट्यूड पर है, ये सब भरते जा रहे थे और हमने कोई गलती जानबूझकर नहीं की थी। और लॉग बुक वाला जो बॉक्स था वो मिल गया, इसने उसको कोर्ट में पेश किया, तो कोर्ट ने कहा कि यार लॉग बुक में तो सही सही भरा हुआ है। बी ने कहा ये तो इसका एडमिशन है, ये तो इसी ने तो भरा है, इसकी बात इसके पक्ष में क्यों मानी जाएगी। उन्होंने कहा सेक्शन 21 है, क्योंकि ये एक अलग बात है, जीवित है, ये एक अलग बात है, जीवित है, ऐसी स्थिति भी तो हो सकती थी कि ये मर जाता। बोले हाँ ये तो हो सकता था, डूब भी जाता तो तब आप क्या करते कि लॉग बुक ही देखते, तो आप देख लो जीवित है तो क्या हुआ भाई, मरने पे भी तो क्या देखते, जैसे जहाज क्रैश हो जाता तो क्या देखते हैं, ब्लैक बॉक्स। कोई बात नहीं, नहीं मरा ना तो अब देख लो। तो क्या कहना चाह रहा है कि इसका एडमिशन इसके ही फेवर में साबित किया जा सकता है। कभी कभी हमारी डायरी में लिखा हुआ है, यार मैंने अपनी डायरी में लिख रखा है, अब एक आदमी दूसरा कह सकता है, क्या कहेगा, अरे यार तुम्हारी डायरी में लिख रखा है, तुमने लिख रखा है मेरे ऊपर 50,000 है, मैं कह रहा हूं 5,000 ही लिए थे। अरे भाई देख डायरी में, अरे ये डायरी तो आपकी है, अरे मेरी तो है लेकिन इन जनरल कोर्स ऑफ बिजनेस लिखा गया है। कैसे लिखा गया है भाई, कंटिन्यूएशन में लिखा हुआ, अलग से एंट्री नहीं डाली है, तो ऐसी एंट्री मेरी ही है, मेरे द्वारा की गई है लेकिन मेरे ही पक्ष में साबित की जा सकेगी, इट इज रेलेवेंट इन माई फेवर, मैं उसे एविडेंस के तौर पर यूज कर सकता हूं। ये सेक्शन 21 है। एक बार सेक्शन 21 के अनुसार, तो मान लो उसमें देखो क्या ओरल एडमिशन को किया जा सकता है, तो ओरल एडमिशन किया जा सकता है, ओरल एडमिशन किया जा सकता है, लेकिन तब किया जा सकता है कि जो सेक्शन 65 दिया हुआ है, कौन सा सेक्शन 65, उसमें सेक्शन 65 का आधार उत्पन्न होता हो,
सेकेंडरी एविडेंस का आधार उत्पन्न होता हो तब दिया जा सकता है। फिर इसमें सेक्शन 23 है इंपॉर्टेंट, कभी कभी एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जब कोई अपने अधिकार को त्याग देता है, अपने ही अधिकार को त्याग देता है, तो फिर उस स्वीकृति को पूरा रेलेवेंट नहीं होती है। एग्जाम्पल से आपको समझ में आया, जैसे मान लो मैंने कोई एडमिशन किया, ठीक है, एक एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ए और बी में, ए और बी में ए कहता है कि बी के यहां मैं नौकरी करता था और मेरे 30 दिन की, 30 दिन की नौकरी जिसने दी नहीं है। बी कहता है जी ऐसा नहीं है, कोर्ट में चले गए दोनों। बी कहता है कि ऐसा नहीं है, इनकी सिर्फ 24 दिन की नौकरी है। कितने दिन की? 24 दिन की है, पूरा ठीक है। तो ले यार यहां क्यों आए हो तुम दोनों जने, एक काम करो ना, मीडिएशन में चले जाओ। क्या आपका नौकरी का हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो? मीडिएशन में चले जाओ। वहां जाके कोर्ट ने कहा कि भाई चलो समझौता कर लो। अब इन्होंने, अरे नहीं यार देख 24 है, संडे नहीं, ये सब चीजें, अब इनमें बात बनी नहीं, फिर दोबारा से क्या हुआ, यहीं आ गए, कोर्ट में ही आ गए। तो जो कुछ भी इन्होंने पहले कहा था वो कोर्ट में यूज नहीं होगा, क्योंकि वो राइट त्याग चुके थे। आपको ध्यान आ रहा है? सेक्शन 265 के, सीआरपीसी का सेक्शन 265 के याद आ रहा है क्या? पहले जो कुछ भी वहां कही थी उसी बात को पहले उसने स्वीकार कर लिया। हाँ ठीक है, उनमें आपस में समझौता हुआ कि हाँ मैंने अपराध किया, ये किया, तो एक तरह से कन्फेशन कर लिया। उस कन्फेशन को उनमें बात बनी नहीं, बात बनी नहीं तो प्रॉपर तरीके से जैसे पहले कोर्ट में मामला चल रहा था वैसे ही चलेगा। पहले क्या कहा उन्होंने, कोर्ट ने क्या कहा, जाके समझौता कर लो। तो जाके समझौता कर लो तो वहां तय हो गया था क्या कि जो कुछ भी वहां कन्फेशन होगा उसको कहां यूज नहीं करेंगे। यदि तुम दोनों में विवाद नहीं सुलटा आपसी तौर पर तो दोबारा नहीं करेंगे कि सर ये तो देखो स्वीकार कर रहा है, पहले ये कह रहा था कि हाँ मैंने ही मारपीट की और अब देखो बदल रहा है कि सर मैंने तो कोई मारपीट ही नहीं की। तो वहां वाली बात यहां यूज नहीं कर सकते। ऐसे ही सेक्शन 23 है। सेक्शन 23 कहता है कि यदि आपने अपने अधिकार को त्याग दिया है कि इस एडमिशन का उपयोग हम कोर्ट में नहीं करेंगे, या इस बात को कोर्ट में नहीं उठाएंगे, तो चाहे ये एडमिशन ही हो तो भी इरेलेवेंट होती है सिविल मामलों में। अदरवाइज तो सिविल मामलों में एडमिशन रेलेवेंट होती है। वो कह रहा है सेक्शन 23 कब इरेलेवेंट होती है, जब दोनों ने समझौता कर लिया है कि इस एडमिशन को हम कोर्ट में नहीं रखेंगे, तब इरेलेवेंट होती है। तो क्या समझ में आया कि एडमिशन तो सिविल मामलों में हमेशा रेलेवेंट ही होती है, लेकिन कब नहीं होती, जब दोनों ने एक तरह से सहमत हो गए हैं इस बात पर, समझौता कर लिया है कि चलो इस एडमिशन को हम एक दूसरे के विरुद्ध यूज नहीं करेंगे, कोर्ट में उपयोग नहीं करेंगे। अब सेक्शन 23 पढ़ लो। देखो इन्होंने क्या किया,
एविडेंस एक्ट वालों ने कि एक शब्द प्रयोग किया एडमिशन, है ना, स्वीकृति, और कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि एडमिशन या कन्फेशन में कोई अंतर होता है। सिर्फ क्या किया, जैसे ही सेक्शन 24 आया और कंटिन्यूएशन में लिख रहे हैं, हेडलाइन भी किस चीज की बनाई, एडमिशन की, और 24 आया तो 24 में फर्स्ट टाइम एक शब्द आया जिसका नाम है कन्फेशन, और इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन किसकी है, एडमिशन की। तो एक तरह से आप देखोगे कि 17 से और 31 तक एक ही चैप्टर है, 17 से 31 तक। तो अभी तक 23 तक, सेक्शन 23 तक तो कंटिन्यू चला आ रहा था एडमिशन, और 24 में आते आते खट से क्या हो गया, कन्फेशन। ऐसा क्या हुआ भाई, एकदम ऐसा क्या हुआ, तो कंफ्यूज कर दिया कि एडमिशन गायब, कन्फेशन शुरू। तो इसकी डेफिनेशन जो जूरिस्ट हैं और जो न्यायालय ने हैं उन्होंने बनाई, कि अपराध के किए जाने की स्वीकृति। क्या कहा, एडमिशन की डेफिनेशन बना रहे हैं, अपराध के किए जाने की स्वीकृति, मतलब एडमिशन ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, अपराध को करना स्वीकारना, अपराध को किया जाना स्वीकारना, उसको क्या कहा इन्होंने, कन्फेशन। अब इसको एक कंफ्यूजन पैदा करूंगा, देखो एक आदमी है ए और एक है बी, दोनों एक तालाब में नहाने गए, कहां गए, तालाब में स्नान करने गए, और बी पानी में डूब गया। जब बी पानी में डूब गया तो बी के घर वालों ने ए के ऊपर आरोप लगाया कि ए ने बी की हत्या कर दी है। ए को पूछा गया, भाई तुमने हत्या की, कि नहीं सर, हम दोनों तालाब में घूमने गए, तालाब में नहाने गए थे, जब नहाने गए तो गहरे तालाब में इसका पैर फिसला और ये डूब गया था, मैंने इसे नहीं मारा। तो ये क्या कह रहा है, एडमिशन है या कन्फेशन है, ये एडमिशन, ये सिर्फ एडमिशन है, क्या है ये, एडमिशन है, ये स्वीकार नहीं कर रहा अपराध का करना। ये कहता मैंने बी की हत्या कर दी है, मैंने बी को डुबा के मार दिया है, तो ये होता कन्फेशन। जैसे एक आदमी है, उसके चोट लगी हुई है, मारपीट में चोट लग गई है, लड़ाई होगी दो गुटों में और लोहू लुहान हो गए, और एक आदमी जिसके बहुत सारी चोटें लगी है डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर से, डॉक्टर उसकी पट्टी वट्टी करता है, बोले क्या बात हो गई, कि सर कुछ नहीं, मोहल्ले में लड़ाई होगी, लठमार होगी तो उसमें हो गई। ये क्या है, एडमिशन या कन्फेशन, ये भी एडमिशन है, ये भी एडमिशन है, लठमार हो गई, ये नहीं कह रहा मैंने किसी को लठमारा, वो तो क्या कह रहा है, अपने बारे में स्वीकार कर रहा है ऐसी घटना हुई, ये क्या चीज है, एडमिशन। कन्फेशन कब होता, जब ये खुद, कन्फेशन का मतलब है जुर्म स्वीकार करना, कन्फेशन का मतलब क्या है, जुर्म स्वीकार करना, एडमिशन ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, किसी अपराध को करना स्वीकार करना, वो एडमिशन है, वो सॉरी कन्फेशन है, समझ में आ गया। तो ये शब्द
सेक्शन 24 में, 25 में, 26, 27, 28, 29, 30 तक कंटिन्यू रहता है। अब चूंकि इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन पूछा जाना है, तो एक क्वेश्चन 24 से 30 पर रहेगा। एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा इसमें से, एक क्वेश्चन तो ये आएगा और एक क्वेश्चन और आएगा, तो एक तो छोटे में ही पता लग गया आपको, इसमें से आएगा ही आएगा। अब हम सेक्शन 24 पे आ जाते हैं। हाँ देखो, सबसे लास्ट में ही लूंगा इस बात को, आपसे वैसे प्री में नहीं आता, लेकिन आज का थोड़े से एडवांस वर्जन के क्वेश्चन आ रहे हैं। कन्फेस निम्न में से कन्फेशन और एडमिशन में सही अंतर है, ऐसे चार ऑप्शन बना दे, ऐसे चार कोई से ऑप्शन बना दे, तो डिफरेंस आता है मेंस में, डिफरेंस आता है एडमिशन और कन्फेशन पर, एडमिशन और कन्फेशन पर। जैसे मैंने अभी आपको एडमिशन के बारे में बताया कि एडमिशन दो तरह की बताई, एक जुडिशियल एडमिशन और एक एक्स्ट्रा जुडिशियल, ऐसे ही कन्फेशन भी दो तरह की हो गई, एक जुडिशियल कन्फेशन और एक एक्स्ट्रा जुडिशियल। तो एक्स्ट्रा जुडिशियल का मतलब है जो बाहर की जाए, कहां की जाए, बाहर की जाए। एक कन्फेशन है पुलिस को कन्फेशन, ये तीसरी कन्फेशन हो गई, एक न्यायिक, न्यायकेतर और पुलिस, ही इंपॉर्टेंट कन्फेशन है या दोनों की, हाँ दोनों की एविडेंसरी वैल्यू में डिफरेंस है, लेकिन कन्फेशन दोनों हैं। इस तरह है, एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले। एक ए आदमी है, इसको एक्स और वाई दोनों कांस्टेबल लेकर जा रहे हैं, और ये आदमी एक हत्या के जुर्म में पकड़ा गया है, हत्या के जुर्म में पकड़ा गया, इसको लेके जा रहे हैं, टांगे में बैठा हुआ है, कहां बैठा हुआ, टांगे में, जंगल में होके जब टांगा चला तो उन्होंने देखा कि यार पेड़ पौधे बहुत हैं, चलो टांगे वाले ने कहा सर खाना खा लें, बोले चलो खा लो, पहले जीप की जगह टांगे ही होते थे, पुराना केस है, तो टांगे वाला भी खाना खाने की कहने लगा, जो टांगा का ड्राइवर है, और ए अपराधी, एक्स और वाई दोनों कहीं जंगल में अंदर चले गए, पेड़ के नीचे जाके सो गए, टांगा वाला पेड़ के नीचे खाना खा रहा है, ए को टांगे में ही हथकट डाल के बिठा रखा है, उसे भी खाना दे दिया है, वो भी खाना खा रहा है। अब आदमी की स्थिति ये होती है कि बोले बिना नहीं रह सकता, आपने देखा है ना यार आज मौसम बहुत खराब नहीं हो रहा, जबकि दूसरे को पता है मौसम कैसा हो रहा है, लेकिन जब भी कोई कुछ बोलता है ना तो आप समझ जाओ कि ये बोलना चाह रहा है, बात करना चाह रहा है। पहले जैसे हम किसी से बात करना चाहते थे तो घड़ी तो हमारे हाथ में भी होती थी, मैडम क्या टाइम हो रहा है, जबकि घड़ी हमारे हाथ में भी होती थी तो बात करने का मन, ऐसे ही बात करने का मन तांगे वाले और एक काफी हुआ, दोनों ने बात की, उन्हें कहा बात क्या हो गई, अरे कुछ नहीं बात हो गई थी, गांव का एक जो सी है बहुत बदमाशी करता था, मैंने उड़ा दिया उसको, किसको बोला इसने, टांगे वाले को, फिर ये दोनों भी आ गए, टांगे में बैठ के चलने लगे थाने की तरफ, एक्स और वाई कह रहे हैं क्यों रे तूने क्यों मारा उसको, बोले सर मैंने बिल्कुल ही नहीं मारा,
मैं क्यों मारूंगा? अब पुलिस वालों के सामने तो मना कर रहा है, तांगे वाला कह रहा है झूठ मत बोल, मेरे को थोड़ी देर पहले नहीं बता रहा था। अब ये सब एसएचओ के पास पहुंचे तो ये और ये दोनों कहते हैं सर तांगे वाले को भी बताया इसने, इसी ने मारा है। तो तांगे वाले को जो बताया वो कन्फेशन है, तांगे वाले को बताया वो क्या है, हाँ वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है, उसकी भी वैल्यू है, लेकिन तांगे वाले को जो बताया वो भी कन्फेशन है। हाँ वकील को बताता, ध्यान आ रहा है, 126 में वो प्रिविलेज्ड है, चाहकर भी नहीं, वकील को बताओगे तो वकील गवाह नहीं बन पाएगा। वकील गवाह सिर्फ तब बन सकता है जब अभियुक्त खुद तैयार हो। प्रिविलेज्ड वाले सेक्शन थे ना, तो ये कॉन्फेशन कौन सा है, एक्स्ट्रा जुडिशियल। अब जो जुडिशियल कन्फेशन है, कौन सा कन्फेशन, जुडिशियल कन्फेशन, कोई आदमी ये जब स्वीकार करना चाहता है कि मैं अपना जुर्म स्वीकार करता हूं, तो मैंने आपको पढ़ाया था सेक्शन 164 सीआरपीसी है ना, तो कन्फेशन कहां से रिकॉर्ड करता है मजिस्ट्रेट, सेक्शन 164 में सीआरपीसी में। और क्या कहता है उसको, कहता है आप कन्फेशन क्यों करना चाह रहे हो, क्यों स्वीकार करना चाह रहे हो, कि नहीं सर मेरे को तो गिलानी हो रही है, अरे मत करो, मना करेगा वो ये कहेगा मत कर क्योंकि ये तेरे विरुद्ध एविडेंस बन जाएगा, और वो लिखेगा भी कि मैंने इसे समझा दिया है कि तुम कन्फेशन करने के लिए बाध्य नहीं हो, और ये चेतावनी भी दे दी है कि अब तुम कन्फेशन करोगे तो तुम्हारे विरुद्ध एविडेंस बनेगा, फिर भी इसने कन्फेशन किया है, इसका कन्फेशन निम्न प्रकार है, और फिर लिखना शुरू करेगा। कहां लिखा हुआ है, 164 सीआरपीसी में। ये कन्फेशन कौन सा है, जुडिशियल कन्फेशन। ये कौन सा कन्फेशन है, ये कब शुरू हुआ जुडिशियल कन्फेशन 164 में, जब तक चालान पेश नहीं हुआ है, उसी से पहले 164 में करोगे। मान लो चालान पेश हो गया तो फिर उस कोर्ट में कोई आदमी कहता है सर मैं जुर्म स्वीकार करना चाहता हूं, ठीक है, तो जैसे ही कहता है जुर्म स्वीकार करना चाहता हूं तो कोर्ट क्या करेगी, उसके जुर्म स्वीकार करने के आधार पर उसे सजा कर देगी। वो भी कौन सा कन्फेशन है, जुडिशियल कन्फेशन। ट्रायल बताए थे ना, तो ट्रायल में पढ़ाया था जिन लोगों ने, जिनका छूट गया है या उनके पास समय है, तो वीडियो जो हमने पहले रिकॉर्ड किए हैं उन्हें फास्ट स्पीड में सुन लो, बीच बीच में उस एरिया को स्किप कर दो, जैसे मान लो मैं कुछ ऐसे ही बता रहा हूं, जैसे अब बता रहा हूं, उस एरिया को स्किप करके आगे निकल जाओ। हैं, तो आपको जुडिशियल कन्फेशन भी पता लग गया, कन्फेशन भी पता लग गया। अब आती है पुलिस को कन्फेशन, किसको, पुलिस को कन्फेशन। अब बात आती है क्या पुलिस को कन्फेशन करना चाहिए, नहीं, पुलिस को दिया हुआ कन्फेशन इररिलेवेंट होता है। कैसा होता है, इररिलेवेंट होता है, क्यों, यदि पुलिस को कन्फेशन कर दिया, उसे रिलेवेंट कर दिया, तो पुलिस तो दो तमाचे मारेगी, बता, तो हर एक से कन्फेशन कराती जाएगी। एविडेंस एक्ट किसने बनाया था, हाँ स्टीफन डाइजेस्ट नाम की अपनी पुस्तक में लिखा है कि भारत की पुलिस बहुत खराब है, यदि हम पुलिस के कन्फेशन को भी इसमें डाल देते तो ये सिर्फ और सिर्फ अपराधियों की आंखों में लाल मिर्ची मलते और ठंडी हवा में पेड़ के नीचे बैठ रहते, इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। ये उसने उस समय लिखा, एविडेंस एक्ट बनाने के बाद उसने अपनी किताब लिखी स्टीफन डाइजेस्ट, उसमें लिखी है ये बात। इसलिए पुलिस के कन्फेशन को कन्फेशन, तो देखिए सेक्शन 24 पढ़ लीजिए आप लोग,
24 पढ़ लीजिए। ट्वेंटी फोर में तीनों कन्फेशन समझ में आ गई होंगी। अब 24 ले रहे हैं। कन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट थ्रेट एंड प्रॉमिस व्हेन इनरेलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग। उत्प्रेरणा धमकी और वचन से कराई गई संस्वीकृति दांडिक कार्रवाई में विसंगत होती है। कैसी होती है? इरेलेवेंट। उत्प्रेरणा, उत्प्रेरणा समझते हो? इंड्यूसमेंट धमकी मतलब मारपीट, धमकी या ये तेरे को छोड़ देंगे, बता सही सही बता दे। इस तरह किसी भी प्रकार का प्रलोभन देकर कोई कन्फेशन किया गया है और किसी प्राधिकारवान व्यक्ति, प्राधिकारवान व्यक्ति का मतलब है द पर्सन हुम मे डोमिनेट हिम, जो उसे डोमिनेट करने की उस समय स्थिति में है, उस समय है। अभी तो आ रही है भाई, तू घंटी बजा रहा है। ये कन्फेशन का कंसेप्ट है ना, कि कोई आदमी अपना जुर्म स्वीकार करता चाहता है तो उसे जुर्म स्वीकार कराने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत? वो न्याय नहीं है कि वो अपने आप जुर्म स्वीकार कर रहा है। जुर्म स्वीकार करने के पीछे उसका कोई डर है, कोई ऐसा कारण है। बाद में वो ये सोचता है, यार मेरे साथ अन्याय हुआ, मैं थोड़ा ही चाहता था कि मेरा जुर्म स्वीकार करूं। तो जुर्म स्वीकार करने का, जुर्म स्वीकार कैसे ही कर लिया है उसने, किसी मजबूरी में कर लिया, तो उसके साथ अन्याय हो गया, न्याय नहीं हुआ। न्याय कब होगा? उसे बताया जाएगा कि देखो तुम्हारे खिलाफ तुम्हें पनिशमेंट करने के इतने एविडेंस हमारे पास हैं, तब वो न्याय हुआ। इसलिए सेक्शन 24 बनाया कि चाहे इंड्यूसमेंट से, थ्रेट से, प्रॉमिस से, किसी भी तरह से, और कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्राधिकारवान है या उसे ये कहकर कि भगवान के नाम पे अब तो सही सही बता दे, तो वो सही उगल देता है तो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से करवा रहे हो। ये कन्फेशन सही नहीं है। कन्फेशन तो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, अदरवाइज कन्फेशन अन्याय करेगा। क्या करेगा? अन्याय करेगा। इसलिए इतनी सावधानी बरती गई है कि वो चेतावनी भी देता है मजिस्ट्रेट तो, नहीं नहीं कन्फेशन मत करना। एक बार क्या हुआ कि एक महिला थी जिसने अपने बच्चे की हत्या कर दी थी। मालकिन ने कहा कि अच्छा ये बता क्या हुआ, क्या कि नहीं मैं तबाह हो गई, परेशान हो गई, तो मैंने तो अपने छोटे बच्चे की हत्या ही कर दी। तो मालकिन को जो कुछ भी बता दिया और उसे लग नहीं रहा था कि मालकिन मुझे निकाल देगी इसकी वजह से, तो ये कन्फेशन रेलेवेंट माना गया। थोड़ा बहुत भी उसे लगता कि यार मालकिन ने निकाल दे इसलिए मैं सही सही बता दूं, तो रेलेवेंट हो जाता। जैसे एक मामला था, सैनिक थे, बहुत सारे सैनिक परेड में थे और उनमें से ए नाम का जो व्यक्ति था उसने अपराध किया। तो इनका जो कैप्टन है वो आया और उसने कहा कि देखो सही सही बता दो तुम में से कौन ऐसा है जिसने अपराध किया है, नहीं तो ठीक है पूरी की पूरी टुकड़ी आज पूरे दिन धूप में रहेगी। इन्हें सोचा मेरी वजह से इतने लोगों को कष्ट होगा, और उसने हाथ उठाया, सर मैंने किया है। उन्होंने कहा ठीक है, तेरे को ही तो ढूंढ रहे थे हम,
ये न्याय है या अन्याय? नहीं, ये अन्याय ही है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया कि कन्फेशन के लिए किसी भी प्रकार का दबाव गलत है। आप ये समझो, कन्फेशन के लिए किसी भी प्रकार का दबाव गलत है। अपने इनर कॉन्शस से वो चाहे तो स्वीकार कर ले, ना चाहे तो ना करे, वो तो अन्याय हो जाएगा। आपको अपराधी को ढूंढना है तो ढूंढने के बहुत सारे तरीके बताए हैं, उनके माध्यम से अपराधी को ढूंढो, न के किसी भी डर, किसी भी भय, किसी भी पक्षपात, किसी भी कारण से उससे कन्फेस मत कराओ। कन्फेस कराने का इरादा एविडेंस एक्ट का नहीं है, लेकिन कहता है सेक्शन 24 है। 24 पढ़ लिया क्या आपने? जस्ट रीड इट पढ़ लिया, समझ में आ गया। अब देखो ये क्या कह रहा है कि ये उत्प्रेरणा, धमकी और वचन का प्रभाव समाप्त हो जाए। क्या कह रहा है? इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस का इफेक्ट समाप्त हो जाए तो कन्फेशन रेलेवेंट हो जाएगी। तो इसका जस्ट अपोजिट सेक्शन है 28। कौन सा? 28 पढ़ लो। इतना ही है कि कन्फेशन, इनका प्रभाव समाप्त हो जाए तो कन्फेशन रेलेवेंट हो जाएगी, इनका प्रभाव बना रहे तो कन्फेशन इरेलेवेंट हो जाएगी। इतना सही है। वो कन्फेशन जो थ्रेट में दिया गया था वो रेलेवेंट है नहीं ना, बाद में खत्म नहीं, पहले खत्म हो गया, वो फिर कन्फेशन कर सकता है। पहले खत्म हो मतलब, इसमें देखो एक केस है सरवन सिंह का, आप लोग पढ़ लेना घर पे चाहो तो, और एक संकरिया का केस है राजस्थान राज्य का। पता है पुलिस वाले एक उसको लेकर आए, संकरिया को लेकर आए और कहा कि साहब ये कन्फेशन करना चाहता है, और उसके चेहरे पर डर और भय के माहौल दिख रहा था। मजिस्ट्रेट ने कहा, मारपीट के चिन्ह दिखाई दे रहे थे, बोले आज कन्फेशन रिकॉर्ड नहीं करूंगा, अभी ये जेल जाएगा, 2-5 दिन रहेगा। अभी उस समय तो क्या था, वो भय में था, किसमें था, और सेक्शन 24 मना कर रहा है तो वो तो भय में था, बोले अभी मैं इसको जेल भेजूंगा। मजिस्ट्रेट ने क्या किया, संकरिया को जेल भेज दिया। 15 दिन बाद संकरिया को लाया गया, कोर्ट में दोबारा आया, मजिस्ट्रेट ने पूछा संकरिया और बताओ कि सर मेरा मन अभी भी कन्फेस करने का है, मेरा मन अभी भी कन्फेशन करने का है। बोले तुम जरूरत नहीं है तुम कन्फेशन करो, क्यों करना चाहते हो कन्फेशन, और तुम जानते हो कि तुम यदि स्वीकार करोगे तो तुम्हारे विरुद्ध साक्ष्य बनेगा। बोले नहीं सर, मेरी आत्मग्लानी की वजह से मैं अब करना चाहता हूं। तो 24 की स्थिति जब लाया गया और 28 की स्थिति जब खत्म हो गया, अब कर रहा है तो भाई ठीक है, तू करना ही चाहता है तो कर ले। लॉ को क्या है, बहुत बहुत सिस्टमेटिकली लिखा गया है, ऐसा नहीं है। मान लो एक आदमी जुर्म स्वीकार कर लेता है तो आज जाके देखना, ट्रायल में जब जाओगे ना, ट्रायल में, तो ट्रायल में लिखा हुआ है न्यायाधीश मे पनिश हिम, न्यायाधीश ऐसा नहीं है कि जज मे पनिश हिम, ये नहीं लिखा हुआ कि जस्ट सेल पनिशिम कर सकता है। इसका मतलब ये है कि कन्फेशन होने के बावजूद भी ये न्यायालय पर डिपेंड करता है कि उसे पनिश करे या ना करे। उसे लगता है कि ठीक है, कन्फेशन हो सकता है किसी को बचाने के लिए किया हो, तो ट्रायल होगी, उसके आधार पर पनिश नहीं करेगा, इसलिए शब्दों का प्रयोग क्या किया, सकता है। जज का इरादा केवल दंड देना नहीं है, जज के सामने दो पार्टी हैं, एक स्टेट बिल्कुल उतनी ही पार्टी है जितना अभियुक्त है,
वो इम्पार्शियल होकर निर्णय देना है उसका। कैसा देना है? इम्पार्शियल। स्टेट से घबराना नहीं है, स्टेट कुछ बड़ी नहीं है उसके लिए, स्टेट के विरुद्ध भी दे सकता है, स्टेट के विरुद्ध भी दे सकता है, स्टेट के पक्ष में भी दे सकता है। इम्पार्शियल रहना है। कैसा रहना है? इम्पार्शियल, पक्षपात विहीन। कोई डरा थोड़े रहा है, छोड़ दिया छोड़ दिया। किसी को मजिस्ट्रेट ने या जज ने उसे लगा कि नहीं, उसे ही लगना चाहिए। उसे क्या लगना चाहिए? नहीं, मामला नहीं बनता तो एक्विटल कर सकता है, उससे थोड़े आंसर किया जाएगा। स्टेट को लगता है कि जज साहब ने गलत डिसीजन दिया है तो चले जाओ अपील में। आई एम किंग ऑफ माई कोर्ट, नो वन कैन इंटरफियर। ऊपर की कोर्ट भी आपके कोर्ट में इंटरफियर नहीं कर सकती है। कोई ऊपर का जज आपसे ये नहीं कहेगा नहीं नहीं इसमें ऐसा कर दो ना। आप पूरी तरह इंडिपेंडेंट हैं, जैसा आपको ठीक लग रहा है वैसा आप कर दो। आपने गलत भी कर दिया, आप आंसरेबल नहीं होते। मुझे ठीक लगा, जानबूझकर कर दिया, तो भी कोई नहीं कुछ कहने वाला। मुझे ऐसा लगा, मैंने कर दिया, आप चले जाओ ऊपर। दूसरी अपील कराए तुम्हारे पास है, दोनों के पास है अपील कराए। तो भाई कोई आदमी जस्टिस कब कर सकता है? जब इस पर किसी भी प्रकार का प्रभाव होगा तो वो जस्टिस नहीं कर सकता। इसलिए कहा जाता है ये सबसे अच्छी नौकरी क्यों है? यू आर हाईली इंडिपेंडेंट। हाँ, जानबूझ के आपके ऊपर ऑब्जर्वेशन क्या है? नहीं, पैसे तो नहीं खा रहे, इसकी आड़ में पैसे तो नहीं खा रहे। आपका डंडा हरेक के ऊपर चलेगा, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी हो, कितना ही बड़ा अफसर हो, हरेक के लिए आपका डंडा है। आपके लिए सब आपसे छोटा ही है। एक मजिस्ट्रेट से एक मंत्री छोटा है, मंत्री की भी नहीं है। कोई सा अधिकारी है, चाहे वो डीजीपी है, चाहे वो डीजी है, या वो चीफ सेक्रेटरी है, वो भी सब छोटे ही है। आप समझोगे कितनी वो दिया हुआ है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। और कोई भी आदमी न्याय सिर्फ तब कर सकता है, कैसा है वो? इंडिपेंडेंट, किसी डर में नहीं है, भय में नहीं है, पक्षपात में नहीं है। अपने अधिकारियों का भी कोई डर नहीं, कोर्ट की डायस पर बैठ के अधिकारियों का भी कोई डर नहीं। अधिकारियों का तो ये है भाई, ठीक है, अधिकारियों का एक सिस्टम बना दिया है कि आपको इतने केसेस डिस्पोजल करने, अरे कर लेंगे। उसके लिए फिर है आपके ऊपर दबाव कि नहीं करना है आपको, आप दाम लेते हो तो काम करो, उसका है। तो 24 और 28 समझ में आ गए क्या दोनों? एक सेक्शन है 25, कौन सा? 25। ये कहता है कि पुलिस ऑफिसर से की गई संस्वीकृति, कन्फेशन टू द पुलिस ऑफिसर, किसी अपराध में साबित नहीं की जाएगी। मतलब इरेलेवेंट है, थानेदार से स्वीकार कर रहे हैं, अरे सर मर्डर तो मैंने ही किया है, तो थानेदार क्या कहेगा? कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। बोले आपने किया? बोले हाँ सर। तो कुछ करेगा क्या? सेक्शन 25 करे, आप अभी कुछ नहीं कर सकता, इरेलेवेंट है। जो कुछ भी उससे कहोगे पुलिस के सामने स्वीकार कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक सेक्शन है इसका जस्ट अपोजिट 27, वो कहेगा अच्छा तुमने मर्डर किया है तो वो चाकू कहाँ है? बोले चाकू तो रखा है, कहाँ रखा है? हमारे छप्पर में। तो चलो छप्पर में देखते हैं। बोले चाकू ये है। अब देखो यहां क्या हो गया, अब उल्टा हो गया मामला। पुलिस को जो कही हुई बात थी आपने सेक्शन 27 से, पुलिस के जो कही थी वो इंफॉर्मेशन थी, कन्फेशन नहीं था। क्या थी? इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन की पुष्टि, इंफॉर्मेशन का कोरोबोरेशन किससे हो गया? जो कुछ भी मिला उससे हो गया। एक केस दिया हुआ है, आप पढ़ना, वैसे कहानी के तौर पर ही काम आएगा, वैसे नहीं।
एक आदमी है जाके कहता है कि मैंने अपनी चाची चाची के दामाद सोबरा की हत्या कर दी है और कुल्हाड़ी मैंने फला स्थान पर छुपा दी, और ये जाके थाने में कहता है सीधे ही। कहाँ कहता है? थाने में कहता है। अब ये थाने में जो कुछ भी कहा गया ये कन्फेशन नहीं है, ये क्या है? इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन के बदले जो कुछ भी मिला तो इंफॉर्मेशन को पुष्ट कर रहा है ना, वो उस कन्फेशन का हिस्सा हो गया। अब आप सेक्शन 25 और 27 साथ साथ पढ़िए, सबके समझ में आ गया? देखो 27 पे प्रश्न आता है, 25 और 27 पे, 24 28 पे नहीं आता। कन्फेशन का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, सामान्यतः 25 27 पे पूछता है। पुलिस को जो कुछ भी कहा गया उसे कन्फेशन न देकर नाम दिया इंफॉर्मेशन, सूचना। क्या नाम दिया? सूचना मात्र है वो। तो 25 और 27 सबके समझ में आ गया। और एक सेक्शन है 26, पुलिस की साक्षात उपस्थिति में मजिस्ट्रेट को किया हुआ कन्फेशन, नहीं मजिस्ट्रेट की साक्षात उल्टा हो गया, मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति, मजिस्ट्रेट बैठा है, कौन बैठा है? मजिस्ट्रेट बैठा है और पुलिस वालों को कन्फेस कर रहा है, तब क्या होगा? उसके लिए सेक्शन 26, 26 पढ़ लो आप एक बार, समझ में आ गई क्या? देखो 26 ये कहता है कि दो तरह की कस्टडी होती है ना, बताई थी ना 67 में, एक पुलिस कस्टडी एक जुडिशियल कस्टडी। तो जुडिशियल कस्टडी में जेसी में होता है, जेल में होता है व्यक्ति, वहां से मजिस्ट्रेट के सामने आता है। पुलिस कस्टडी में एक व्यक्ति या तो 24 घंटे के लिए होगा, फर्स्ट 24 घंटे के लिए, या 15 दिन के लिए, या जो दिन दिए गए हैं, 15 दिन इकट्ठे नहीं देते, मैक्सिमम 15 दिन तक हो सकते हैं, तो वो पुलिस कस्टडी में है। तो पुलिस कस्टडी में कोई व्यक्ति और अपना कन्फेशन देना चाहता है और मजिस्ट्रेट वहां है, तो कन्फेशन की जा सकती है। लेकिन कोर्ट ने इसमें एक तरह से ये कहना चाहता था एविडेंस एक्ट कि मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस को भी दे दो कन्फेशन तो वैलिड मान ली जाएगी, लेकिन उसमें ऐड कर दिया, क्या कर दिया कि जब भी होगी ऐसी कन्फेशन तो 164 की स्थिति में लिखी जाएगी। तो 164 की स्थिति में तो क्या है, मजिस्ट्रेट उसे चेतावनी देगा, नहीं तुम्हें कन्फेशन करने की जरूरत नहीं है, करोगे तो तुम्हारे विरुद्ध साक्ष में ग्राह्य हो जाएगी। समझ में आ गया? तो पुलिस कस्टडी में भी कोई आदमी है, क्या कह रहा हूं, इफ देयर इज ए पर्सन इन पुलिस कस्टडी हिज कन्फेशन मे बी रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 164 टू द मजिस्ट्रेट। ठीक है, लेकिन सिर्फ 26 को पढ़ते हैं तो वो ये कहना चाहता है कि मजिस्ट्रेट है और मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में पुलिस को की हुई कन्फेशन वैलिड है। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक केस है, यूपी स्टेट वर्सेस सिंघाड़ा सिंह, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया क्लियर कि 26 की भी पुलिस कस्टडी वाली भी मजिस्ट्रेट है वहां पे, तो मजिस्ट्रेट की इतनी ड्यूटी ऑफ द मजिस्ट्रेट कि वो कहे नहीं नहीं तुम्हें नहीं करनी, अब कर पुलिस ही रही है, नहीं ठीक है,
164 में ही होगी, मान नियमों के अंतर्गत ही आनी चाहिए, नहीं मान रहे। देखो इतना कन्फेशन के संबंध में पढ़ने के पश्चात भी एक सिंपल लाइन में कि कन्फेशन कोई जबरदस्ती कन्फेशन कराने का मूड नहीं है। जबरदस्ती कराने का मूड होता तो पुलिस कोई कर देती, पुलिस डंडा लठ लगा लगा के कन्फेस करा लेती सबसे, नहीं अपराध किया तो भी करा लेती, हाँ जी हाँ मैंने किया है। और आज भी पुलिस के डर से लोग करते हैं, पुलिस क्या क्या कहते हैं, जब थर्ड डिग्री अपनाएगी। वैसे कोई थर्ड डिग्री वर्ड डिग्री का मामला नहीं है, जो कोई आदमी पुलिस वाला है कन्फेशन करने के लिए किसी से मारपीट करता है, कोई उगलवाना चाहता है, तो 330 आईपीसी का अपराध बनता है। कौन सा 330 आईपीसी का अपराध बनता है, जेल जाएगा। 330 में कन्फेशन कराने के लिए परेशान करने का मामला है, जेल जाएगा। एक सेक्शन 30 है, वैसे तो मैं पढ़ा चुका सेक्शन 30। ये को अक्यूज्ड है जिसका ट्रायल एक साथ चल रहा है। जैसे ए और बी दोनों का ट्रायल एक साथ चल रहा है, ठीक। जैसे बी का 313 के बयान आए, बी कहता है सर ये अपराध है ना, अब मैं सच सच ही बता देता हूं, ये अपराध हमने ए ने और बी ने दोनों ने हमने मिलकर किया। तो पता है क्या कह रहा है सेक्शन 30, ये कह रहा है सर मैंने अपराध किया था एक बात, सर मेरे साथ ए ने अपराध किया था दूसरी बात, तो मैंने अपराध किया था इट इज कन्फेशन, मैंने मेरे साथ ए ने भी अपराध किया था तो इट इज कन्फेशन अगेंस्ट ए, एक ही तरफ से कन्फेशन कर रहा है। तो यहां पर न्यायालय ने ये कहा न्यायालय विचार में ले सकेगा, कोर्ट में कंसीडर। इसका मतलब ये नहीं है कि अपराधी ने कहा तो ये मान लिया जाएगा, क्योंकि आपको ध्यान आ रहा होगा 114 का दृष्टांत भी कि जो सह अभियुक्त होता है ना वो क्रेडिबल नहीं होता, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। समझ में आ गया, एक बार सेक्शन 30 पढ़ लो। ये शब्द समझ रहे हो ना, एक जगह accused है और एक जगह accomplice, accomplice भी बोल सकते हो, accomplice या accomplice, अंतर समझते हो क्या। देखो यहां ये co-accused है जब ट्रायल चल रहा है, कब ये ट्रायल की बात है। सेक्शन 30 में जो आ रहा है वो कब आ रहा है, एट द टाइम ऑफ ट्रायल, जब दोनों का ट्रायल साथ साथ एक ही कोर्ट में चल रहा है, तब एक अभियुक्त कह रहा है साथ था ये मेरे, देखो ऐसे कब कहता है अभियुक्त, ध्यान नहीं आ रहा क्या, 306 नहीं पढ़ा था, 306 सीआरपीसी, लेकिन 306 सीआरपीसी में पार्डन कब मिलता है, सीजेएम तो कब कब दे सकता है, तीन स्थितियों में, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल, और जेएम कब दे सकता है, इंक्वायरी और ट्रायल, इन दो स्थितियों में, इन्वेस्टिगेशन में नहीं दे सकता, इन्वेस्टिगेशन में कौन देगा पार्डन, सीजेएम, जब इन्वेस्टिगेशन में पार्डन देता है ना तो फिर वो बयान भी दर्ज करता है, स्टेटमेंट दर्ज करता है।
अब मान लो ट्रायल के टाइम का कोई आदमी स्वीकार कर रहा है, कब स्वीकार कर रहा है? ट्रायल के टाइम पर, जी ट्रायल चल रही है, ट्रायल के टाइम पर स्वीकार कर रहा है जी मैंने और इन्होंने किया, तो मान लो पार्डन नहीं किया वैसे किया तो भी विचार में ले सकेगा, और पार्डन कर रखा है तो विचार में लेगा उसको। तो विचार में लेने का मतलब ये है कि उसमें ये ध्यान रखेगा कि ये कोई अच्छा आदमी ये भी नहीं है। 133 ये नहीं कहता, 133 तो ये कहता है कि अकम्प्लाइस, अकम्प्लाइस के आधार पर आपने किसी को पनिश किया है, तो केवल इस आधार पर इलीगल नहीं है पनिशमेंट, कि अकम्प्लाइस के स्टेटमेंट पर किया आपने, यही तो है। तो क्या कहना चाहता है, अकम्प्लाइस के स्टेटमेंट पर भी किसी आदमी को पनिश किया जा सकता है, किंतु अकम्प्लाइस और को एक्यूज्ड ये विश्वसनीयता के योग्य नहीं होते। जब भी करो तो ध्यान से करो, कैसे करो? ध्यान से करो कि ये जो कह रहा है ये 100% सही है तो ही करो, अन्यथा मत करो। सबके समझ में आ गया? स्वीकृति कोई निश्चायक सबूत नहीं, लेकिन विबंध उत्पन्न करती है। क्या करती है? विबंध, विबंध या एस्टपल। एस्टपल बताया था ना 115 में, धारा 115 में एस्टपल बताया था। एस्टपल का मतलब यह है कि जो बात पहले कही थी उसी बात पर बने रहो, डोंट चेंज योर स्टेटमेंट। एस्टपल क्या है? डोंट चेंज योर स्टेटमेंट। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, निश्चायक सबूत होता तो उसके विरुद्ध आप रिबटल के लिए एविडेंस नहीं दे सकते थे। क्या नहीं दे सकते थे? मैंने आपको बताया था कि कंक्लूसिव प्रूफ क्या है। जैसे एविडेंस, एविडेंस का मतलब क्या है? जिसमें कोई प्रूविंग फोर्स है और रेलेवेंट है, दो चीजें, क्योंकि बिना रेलेवेंट के तो पेश ही नहीं कर सकते ना। तो एक तो रेलेवेंट है और प्रूविंग फोर्स है, किस चीज का? एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस, किसी भी चीज का एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस। तो ये तो एविडेंस हुआ। एविडेंस के बाद प्रूफ, प्रूफ क्या है? एविडेंस में इतना ज्यादा प्रूविंग फोर्स हो जाए, सजेस्टिंग एन इन्फ्रेंस, किसी अनुमान की तरफ इशारा करता है। क्या कह रहा है? तो धुआं कब निकल रहा है? अंदर आग जल रही है, कहते हैं ना कि देखो आग के बिना धुआं नहीं उठता। वैसे उठ सकता है, आजकल फॉग वाली मशीन आ रखी है, सिर्फ फॉग ही फॉग करती। इसको एग्जाम्पल को थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, मैंने 50,000 रुपये आर से ले रखे थे, तो मैंने क्या किया बाद में उस बात का खंडन किया। यदि कंक्लूसिव प्रूफ होता तो मुझे एविडेंस देने का ही अवसर न मिलता, क्योंकि कंक्लूसिव प्रूफ में क्या है? एविडेंस नहीं दे सकते। कंक्लूसिव प्रूफ में एविडेंस देने का कोई राइट ही नहीं होता। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 10th की मार्कशीट, आपने 10th की मार्कशीट है तो आप एविडेंस दे ही नहीं सकते। कोर्ट कहेगी नहीं 10th की मार्कशीट है, इट इज सफिशिएंट, इट इज कंक्लूसिव प्रूफ, योर डेट ऑफ बर्थ इज दिस। तो समझ में आई? 31 समझ में आ गया। अब आता है 32, है? पूरा करना है हमें 55 तक, अभी कर देंगे। देखो 30 आज ही कर दूंगा।
थोड़ा सा उन्हें लेट तक कर लेंगे, 15 मिनट और बिठा लेंगे। ये घड़ी में घड़ी देखता रहता हूँ, घड़ी बहुत तेज चलती है, पर घड़ी तो घड़ी के हिसाब से ही चलती होगी, पर चूंकि जब हम काम कर रहे होते हैं तो समय का पता नहीं चलता। आपको इतने ही डूब कर काम करना चाहिए। अच्छा आप ये सोचो, जैसे आप जिस दिन से वैकेंसी आई है, जिस दिन से वैकेंसी आई है और ऐसे ही आप 300 दिन तक पढ़ रहे हो तो आप फेल होते क्या? मतलब हर एक को ये विश्वास पैदा हो जाता है हर हाल में पास हो जाएंगे, है ना? तो जीवन के इतने शानदार पद पर जाने के लिए 300 दिन कोई ज्यादा तो है नहीं। जहां अंतिम सांस तक सरकार आपको सपोर्ट करेगी, मान सम्मान मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा। पता है अभी जस्ट थोड़ा ही दिन रह गया है तो आप लोग पूरा दम लगा रहे हैं। बल्कि मैं कहता हूं विद्यार्थियों से, इसी तरह पूरा दम पूरे साल लगाना चाहिए। आज जेएलओ का रिजल्ट आया, कई लोग पास हुए हैं। जो पास हुए हैं उनमें मेरे यहीं काम भी करता था, मेरा एक स्टूडेंट था। स्टूडेंट होते होते बोले सर मेरे को नौकरी पे भी रख लो। मैंने कहा चल ठीक है काम भी कर ले, तो काम भी कर रहा था। तो रिंकेस पास हो गया, आज सुबह सुबह उसने 6 बजे कॉल किया, मुझे तभी पता लगा। एक लड़की, उसका हस्बैंड उसे बहुत परेशान करता है, वो भी पास हो गई। और एक लड़की, सर मेरा हस्बैंड मुझे बहुत परेशान करता है। अरे दो जूत मार हस्बैंड में सही हो जाएगा, मेरे को ये बिल्कुल रोने वाला आदमी बिल्कुल पसंद नहीं। और इतनी मेहनत कर लो बाद में चक्कर काटेगा। बोले नहीं नहीं चलो यार गलती हो गई, ऐसा करो ना। वैसे तो सब तुम्हारे हाथ में है, और होता वही है जैसा आप सोच रहे होते, जैसा आप सोच रहे होते। आप सोचो ये ऐसा हो जाएगा तो ये मान लो कि 101% हो जाएगा, पर आप सोचते ही नहीं, क्योंकि ये सिस्टम है ना, ईश्वर का सिस्टम। क्योंकि आधे आप भी ईश्वरी हो, क्योंकि आप में वही तो अंश है उसी का, जो आप सोच रहे होते वैसे ही होते चले जाते हैं। जैसे कोई कह रहा था यार मेरा तो मुश्किल ही लग रहा है, ऐसा मत सोचिए, सोचिए ही मत, आप सोचिए हो जाएगा मेरा इस बार। मान लो आप में से कोई 2 नंबर से रह गया, यार मैं ये नहीं सोचता या ये नहीं सोचती कि मेरा होगा कि नहीं होगा, मैं और थोड़ा दम लगा रही तो 2 नंबर से थोड़े ही रहती। तो किसी को पता नहीं है, मुझे भी नहीं पता कि कौन कितने नंबर से रहता है। तो जो जितनी शक्ति है पूरी की पूरी झोंक दो, पूरी की पूरी झोंक दो। दूसरा, यदि शक्ति कुछ कम है तो शक्ति बाजार से खरीद लो। दोनों शक्ति काम करती है ना, मानसिक और शारीरिक। तो ये थक जाते हैं, जैसे क्षितिज देखते ही घड़ी कहता सर बस, तो 2 किलो बादाम ले आओ और रात को 10 बादाम भिगो दिए और सुबह अच्छे से पीस कर और वो खा लिया। न्यूट्रिशन पे ये मान लो
इस तरह के खाने पीने पे 4 दिन के मजिस्ट्रेट की नौकरी के 4 दिन के पैसे, कितने दिन के? बाकी तो आप पूरे अपने एंजॉय करना, 4 दिन के पैसे डाल भी दिए तो कहां दिक्कत। लेकिन चूंकि आपके मन में यह नहीं आता कि क्या मैं बन जाऊंगा, यदि ये आ जाए तो 4 दिन के पैसे डालने में कहां दिक्कत है। और आपके मन में यह भी आ जाए कि यार नहीं हुआ तो मेरे को करीब करीब 20 लाख का नुकसान होगा, क्या हुआ? आपको यही सोचना चाहिए कि मेरे को नुकसान होगा, 20-30 लाख का नुकसान होगा। क्योंकि मान लो साल 1.5 साल बाद आई वैकेंसी, वैसे वैकेंसी का फिक्स है यहां पे, हर साल आती है। और एक और चीज सुनो, आईएएस से भी ज्यादा तनख्वाह मिलती है मजिस्ट्रेट को, आईपीएस से भी ज्यादा तनख्वाह मिलती है मजिस्ट्रेट को, आईएएस आईपीएस से भी ज्यादा सुविधाएं मजिस्ट्रेट के पास, आईएएस और आईपीएस दोनों से ज्यादा सुविधाएं। आईएएस और आईपीएस को नेताओं के चक्कर काटने पड़ते हैं, मायावती के तो जूते भी चप्पल में लेके भी आईएएस आ गया कि चल रहा था, आया था फोटो मैडम की चप्पल लेके, एक फीता बांध रहा था। मजिस्ट्रेट थोड़े ऐसा करता है, मजिस्ट्रेट के सामने तो उसे उल्टा बांधना पड़ जाए। मतलब मैं तो वैसे ही सटायर कर रहा हूं, सच्चाई ये नहीं क्योंकि मजिस्ट्रेट का ऐसा करना है, लेकिन मैं बता रहा हूं मजिस्ट्रेट को थोड़ी। तो सबसे स्वाभिमान की सबसे शानदार जॉब है ना ये, सबसे शानदार, कोई लफड़ा नहीं। अपने परिवार और अपने लिए कितना समय मिलता है, 365 दिन में से 200 दिन ही काम करना होता है, 165 छुट्टियां हैं। ये सपना आपके द्वारा होना चाहिए, और सपना देखा करो कभी कभी, आंखें बंद कर ली, डायस पे बैठे हो, फैसले कर रहे हो, घूमने जा रहे हो, ये सब आप किया करो तो आप बन जाओगे। अरे मैंने तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को बनते देखा है कि यदि उनका बनने के पहले का इतिहास देखो तो लगे यार ये ऐसा था क्या, किस कोई भी बन सकता है। इसलिए और बस बहुत लंबी प्लानिंग नहीं, एक दिन की वन डे प्लानिंग, कितने दिन? वन डे। सुबह जग रहे हो उसी समय तय कर लिया आज इतना इतना काम करना है, पूरे दिन में ये रहेगा मेरा शेड्यूल, वन डे प्लानिंग। कल की कल तय होगी, आज नहीं। कई लोग करते हैं ना अगले 1 महीने तक 20 घंटे पढ़ेंगे, ये गलत तरीका है ना, वो पढ़ेंगे ना कोई मतलब है। आप वन डे तय करो बस, एक दिन, एक दिन शानदार, शाम को सो तो क्या मैंने मेरे कंपटीशन के अनुरूप पूरा दिन का यूटिलाइजेशन किया, आपकी अंतरात्मा कहनी चाहिए यस, क्या मैं इससे ज्यादा कर सकता था, चलो कोई बात नहीं आज नहीं हुआ कल इससे ज्यादा करेंगे। ओनली वन डे प्लानिंग के अलावा कोई प्लानिंग नहीं करनी है। और तो ये देखो कि जुडिशियल ऑफिसर्स का सम्मान सोसाइटी में ज्यादा है, क्यों है? इन मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी सरकारी कर्मचारी कोई भी करप्ट होता है, लेकिन सोसाइटी ऐसा ही समझती है, जज है तो हाँ ठीक है, बाकी के लिए ये मानने बैठे रहते नहीं नहीं ये तो करप्शन नहीं करते होंगे। तो ये सोसाइटी की अपनी सोच है और गलत है, ऐसा नहीं सब सारे अधिकारी कोई करप्ट होते हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल, लेकिन सोसाइटी की अपनी ऐसी सोच है, जुडिशरी के संबंध में ऐसी सोच नहीं है। ऐसा नहीं कि जुडिशरी के सब बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं, वहां भी आदमी तो वही है सोसाइटी से ही आए, वहां भी गड़बड़ सड़बड़ करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन अभी सोसाइटी में उसका ऑरा अच्छा है, लोगों को पता नहीं है। अभी जैसे आईएएस की तैयारी या आरएएस की तैयारी में बहुत लोग जी जान लगाए होते हैं और उन्हें पता नहीं होता उन बच्चों को कि उससे कई गुना बेहतर कैरियर ये है। जैसे
आईएएस आईपीएस को अपनी कार चलाने के लिए डीजल पेट्रोल नहीं मिलता, जुडिशरी में मिलता है। ऐसे कितनी ही सुविधाएं हैं जो जुडिशरी वालों को मिलती हैं। जैसे आईएएस या आईपीएस का घर है ना, बिजली अपने पैसों से बिल भरवाना है उसको, जुडिशरी में ये सपोर्ट है। ऐसे कितनी ही सुविधाएं हैं, ड्रेस अलाउंस है, सत्कार भत्ता है जो मंत्रियों को मिलता है ना, वो वाली सुविधाएं हैं इसमें। मैं अपने घर में छोटे भाई से भी कहता हूं, वो क्या है कि वो उतने एंथुसियाज्म से नहीं लड़ता, करता नहीं है वो। जब मैं हमेशा कहता हूं मेरी क्लास में डरता है तो डांट पड़ती है, लेकिन आप सब लोगों को इसमें होना चाहिए। और दूसरा कोई कारण ही नहीं है, कोई भाग्य नहीं होता, होता ही नहीं है। मैं तो, मेरे से बहुत सारे लोग कहते हैं अरे आप भाग्य नहीं मानते, भाग्य ही होता है सब कुछ। अरे होता भी होगा, हमें क्या लेना देना, क्या हम बदल सकते हैं? हमें तो एक ही चीज दी हुई है ना, हमारा कर्म, हमें क्या पता होता है कि नहीं होता, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमारे हाथ में जो है हमें उसे बेस्ट करना चाहिए।